किसी ने क्या खूब कहा है, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल सतरंगी ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को 10 फरवरी दिन बुधवार कैसे रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय गणपति महाराज जरूर लिखना, गणपति महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे आएगा चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने इस एक गुण से सभी को कर लेता है इम्प्रेस, हर जगह मिलता है सम्मान। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में धन तरक्की, स्वभाव, व्यापार और नौकरी आदि से संबंधित नीतियां बताई हैं। चाणक्य की नीतियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है। एक नीति में चाणक्य ने व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया है। उनका कहना है कि व्यक्ति जब अच्छी आदतों को अपना लेता है तो उसके सफल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने एक गुण से ही लोगों को प्रभावित कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये होता है गुण उसे समाज में मान सम्मान मिलता है। दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मीठी वाणी होने से मन को अच्छा लगता है और नीति शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जो लोगों को परेशान करे। चाणक्य का मानना है कि जिन लोगों की वाणी मधुर और प्रभावशाली होती है वे सभी के प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति वाणी के प्रयोग में लापरवाह होते हैं वे दुख उठाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। चाणक्य आगे कहते हैं कि व्यक्ति की वाणी तभी मधुर होती है जब वो ज्ञान और संस्कारों को अपनाता है। चाणक्य संस्कार और ज्ञान से भरपूर व्यक्ति कभी कर्कस और ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। चाणक्य नीति के अनुसार वाणी से ही व्यक्ति कठोर हृदय को भी परिवर्तित कर सकता है। ऐसे लोग शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं। मधुर वाणी बोलने वाले व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 10 फरवरी 2021 दिन बुधवार। आय की तिथि है चतुर्दशी तिथि। आय का नक्षत्र है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। ऋतु चल रहा है शिशिर ऋतु। आज सूर्योदय होगा 7:03 पर। सूर्यास्त होगा 6:07 पर। दोस्तों आय का अशुभ समय है 12:13 से 12:57 तक रहेगा। दोस्तों आय को कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 3। अब बात करते हैं दोस्तों आय कन्या राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आय का दिन, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले आज आप दोस्त की बेरुखी आपको नाराज करेगी, लेकिन खुद को शांत रखें। इस बात को परेशानी ना बनने दें और इससे बचने की कोशिश करें। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। अगर आज आपने अपने परिचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। हालात का सामना धैर्य से करना ही अच्छे परिणाम दे सकता है। शाम ढलते ढलते कोई आकस्मिक रूमानी झुकाव आपके दिलो दिमाग पर छा सकता है। नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। चीजों और लोगों को तेजी से परखने की क्षमता आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगी। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले हैं, लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल जाएंगे। आज कोई प्रसन्नतादायक घटना घटित होगी। परिवार से जुड़ी किसी समस्या का भी शीघ्रता से निराकरण होगा। गृह स्थितियां सुखद है, ऐसे अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा भी वसूल हो जाएगा। युवा वर्ग अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर चिंतित रह सकते हैं। अगर यात्रा का प्रोग्राम बन रहा है तो अपना सामान संभाल कर रखें। वाहन के रख रखाव में अधिक खर्चा हो सकता है। ननिहाल पक्ष से किसी प्रकार की अनबन की स्थिति बन रही है। कामकाज के नए अवसर उपलब्ध होंगे। कोई शुभ घटना भी घटित होगी। इस समय सोच समझकर किया हुआ कोई व्यावसायिक निवेश आगे चलकर आपको निश्चित रूप से लाभ देगा, परंतु कुछ महत्वपूर्ण फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना भी उचित होगा। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे जिससे घर की व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच में गलत फहमी की वजह से झगड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कुछ कमजोरी और थकान की स्थिति बन सकती है। आज आप अपने आपको कई बातों से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। तनाव में वृद्धि होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा और छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होने की भी संभावना है। आपसे बहुत अधिक उम्मीद की जाएगी जिससे आप खिंच सकते हैं। छोटी सी गतिविधि भी आज गंभीर रूप से हिंसात्मक रूप ले सकती है, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें। विवादों को निपटाने या कर्ज चुकाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अचानक से उत्पन्न वित्तीय मुद्दे और समस्याएं आपको परेशान कर सकते हैं। आप जल्दबाजी में कोई कुछ ऐसी बातें कह जाएंगे या कुछ कर जाएंगे जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। पैसे के मामलों में आज किसी पर भरोसा ना करें।
आपको गर्दन के निचले हिस्से, कंधे और बाहों में दर्द हो सकता है। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य भी तनाव का कारण बन सकता है। आयुर्वेदिक उपचार या मालिश से आपको राहत मिल सकती है। किसी भी प्रकार के नशे की लत से दूर रहें। आज का दिन आपके लिए काफी हताश और निराशाजनक होने की संभावना है। आप आलोचना के प्रति असामान्य रूप से संवेदनशील रहेंगे। यदि आप गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो अपनी यात्रा स्थगित कर दीजिए और धैर्य रखें। यात्रा के दौरान जल्दबाजी से काम करना उचित नहीं होगा। आज आपके अनुकूल दिन नहीं है। विलंब और विफलताओं से जूझते हुए आपको कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। प्रार्थनाओं से आपको बहुत सहायता मिलेगी। आगे बढ़ने के नए मौके आपको मिल सकते हैं। आप जिससे भी बात करेंगे उसे अपनी राय से सहमत कर सकते हैं। परिवार के किसी खास मामले पर आप अपनी राय निर्णायक ढंग से रखें। आपके दिमाग में नए विचार आ सकते हैं। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। विवाह प्रस्ताव भी आज आपको मिल सकते हैं। बिजनेस में भी बदलाव का मन बन सकता है। आप जिस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे थे आज उसका बेहतर परिणाम मिल सकता है। आज आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी तारीफ होगी। आर्थिक लिहाज से आज का दिन बढ़िया है। अपनी योग्यता पर शंका ना करें। विद्यार्थी उच्च अध्ययन में सफलता से उत्साहित रहेंगे। आपको अपने लोगों के लिए थोड़ा विचार करना पड़ सकता है। दोस्तों के साथ अपने मन की बात शेयर करेंगे। शादीशुदा जीवन में प्रेम बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। शेयर बाजार से आज अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। हालांकि आपको लॉटरी और सट्टेबाजी से दूर रहना होगा। प्रॉपर्टी के मामले में परिवार या साथ के कुछ लोगों से अनबन होने की संभावना बन रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचने की कोशिश करें। अपनी इमेज को लेकर सावधान रहे। सेहत के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पुराना रोग खत्म होगा तो नया शुरू हो सकता है। स्टूडेंट्स की सीनियर्स की मदद मिल सकती है। फालतू कामों में समय बर्बाद ना करें। हानि के योग बन रहे हैं। बिजनेस से जुड़े बड़े फैसले इन दोनों में ना ले तो ये अच्छा है। अगर आप आज कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो जरूर खरीदें। आज का दिन खरीदारी के लिए शुभ है। साथ ही दोपहर के बाद आपको खर्चा बढ़ेगा, परंतु इससे आप घबराएं नहीं। शाम तक ग्रहों के बदलने से घर एवं दफ्तर में नकारात्मकता बढ़ेगी। आज कोई प्रसन्नतादायक घटना घटित होगी। परिवार से जुड़ी किसी समस्या का भी शीघ्रता से निराकरण होगा। गृह स्थितियां सुखद हैं। ऐसे अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा भी वसूल हो सकता है। युवा वर्ग अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर चिंतित रह सकते हैं। अगर यात्रा का प्रोग्राम बन रहा है तो अपना सामान संभाल कर रखें। वाहन के रखरखाव में अधिक खर्चा हो सकता है। ननिहाल पक्ष से किसी प्रकार की अनबन की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए कुछ कमी अनुकूलता लेकर आएगा। राशि का स्वामी छठे भाव में होने से और रोग उत्पत्ति की संभावना बन रही है। इस दिन आपको पेट से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित परेशानियों और पित्त प्रकृति के रोग होने की संभावना अधिक है। इसलिए आपको अपना भोजन संतुलित रखना चाहिए और अच्छी दिनचर्या का पालन करना चाहिए, जिससे कि समय रहते इन पर अंकुश लगाया जा सके और बीमारियों को होने से पहले नियंत्रण में किया जा सके। तभी आप एक चुस्त दुरुस्त जीवन जी पाएंगे और अपने सभी कार्यों को सही समय पर सही तरीके से संपादित कर पाने में सफल रहेंगे। आपकी सेहत में हल्का सुधार आएगा, लेकिन मंगल का गोचर राहु के साथ होने से आपको मुंह में छाल या फिर जांघों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी नहीं होगा कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। तो दोस्तों ये था आज के कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से गणपति महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो गणपति महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गणपति महाराज जरूर लिखना। दोस्तों रोज कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये आज का राशिफल अपने दोस्तों से शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।